राजस्थान में स्विमिंग पूल में डीएसपी के अश्लील वीडियो मामले में चार और पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने चार पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के बाद इस पूरे मामले की जांच एसओजी को सौंपी है, जिसकी रिपोर्ट भी जल्द डीजीपी को सौंपी जाएगी। डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। पुलिस अधिकारी का महिला कांस्टेबल के साथ ये शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। निलंबित किए गए पुलिस अधिकारी गुरुदत्त सैनी, मोटाराम बेनीवाल, हरिशंकर शर्मा और प्रकाश मीणा के खिलाफ डीजीपी लाठर के आदेश पर जांच शुरू कर दी गई है। अगर इस मामले में इनकी संलिप्तता पाई गई तो इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इस बीच निलंबित डीएसपी को लेकर एसओजी की टीम पुष्कर के उस 5-स्टार रिजॉर्ट में पहुंची जहां ये वीडियो बनाया गया था। अब आरोपी डीएसपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वीडियो में जिस तरह से बच्चे के साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं, उसे देखते हुए इन पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। अभी तक की जाँच में पता चला है कि महिला कांस्टेबल ने 13 जुलाई को व्हाट्सएप स्टेटस पर स्विमिंग पूल की तस्वीर लगाई थी। उसके बाद महिला कांस्टेबल का कहना है कि 26 जुलाई को उसके पास इंटरनेट कॉलिंग से फोन आए और उसने कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे। उसके बदले 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। महिला कांस्टेबल ने जयपुर के कालावाड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहां पर पुलिस वालों ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद महिला कांस्टेबल के पति ने चितावा थाने में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, मगर वहां कहा गया कि पुलिस अधिकारी ने वीडियो के बदले डीएसपी से 50 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया। सस्पेंड होने वाले पुलिस अधिकारियों में कुचामन के डीएसपी मोटाराम बेनीवाल, एसीपी झोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा, चितावा एसएसपी शिव प्रकाश मीणा और कालवाड़ के पुलिस अधिकारी गुरुदत्त सैनी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस वीडियो प्रकरण में कई और पुलिस वालों के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।